ट्रेस काट लीजिए, काट लीजिए सामने का। मैं तो शाफी सकीना हूँ, ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ प्रिंस मोहसम जा बहादुर एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ वीर उस्मान अली खान। आई एम मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ये मेरा जो माउंट प्लेजेंट है, मेरे नाना की प्रॉपर्टी है जो अब सुल्तान उलूम से जाना जाता, कि वो प्रॉपर्टी में मैं हकदार हूँ। हैज़ माई ग्रैंड फादर डाइड इन 1987, दिस प्रॉपर्टी वॉज सपोज टू बी रिजॉल्व बिटवीन हिज शेयर इन देन लिविंग। आई एम वन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड आई हैव नॉट गॉट माई प्रॉपर्टी, माई शेयर इन दिस प्रॉपर्टी। ये लैंड ग्रैब हुआ गया है मिस्टर जफर जावेद से और अदर्स से, आसिफ पाशा से एंड मुखफ हमजा, दे ऑल आर वन, दे ऑल हैव ग्रैब दिस लैंड एंड नॉट गिविन द मेन शेयर होल्डर्स एनी थिंग आउट ऑफ दिस। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट तेलंगाना टू प्लीज़ गेट मी माई शेयर, मेरा शेयर मुझे दिलाइए, मेरा हक दिलाइए मुझे। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, थैंक यू। आई मोहम्मद हजरत नेहगल, हस्बैंड ऑफ प्रिंसेस शाफिया सकीना, एंड ही केम फ्रॉम बिहाफ ऑफ हर कि 1949 मौजमजा ट्रस्ट डीड में जो क्लॉज है, आफ्टर डिमाइजिंग ऑफ मौजमजा दिस प्रॉपर्टी हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द इश्यूज एंड देन लिविंग शी। अच्छा, तो ये है मौजमजा मरने के बाद जो नेबटी, तो इन्हों मौजमजा की इशू है लीगल है रहे, जो ट्रस्ट डीड क्लॉज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ विटनेस है इसके अंदर कि जैसा मौजमजा मरेंगी 87 में ये प्रॉपर्टी बांटने का है जो बटी नहीं, इसलिए उनका पूरा हक चले गया है। और मैं ये चाहूँगा कि इनका हक इनको कौन सी प्रॉपर्टी की, प्रेजेंट प्रॉपर्टी मुखफुंजा कॉलेज जो चल रहा है, इट इज़ एक्चुअली उसका नाम है मॉम प्लेजेंट प्रॉपर्टी 24 एकर्स 10 कुंटल्स जो है मौजमजा ट्रस्ट डीड 1949। ट्रस्ट डीड का नाम है मौजमजा ट्रस्ट डीड 1949 8 अक्टूबर। उसके अंदर क्लॉज है कि मौजमजा मरे बाद ये प्रॉपर्टी डिसॉल्व होना इश्यूज देन लिविंग में, जो नहीं हुआ उनका हक चले गया, अनजस्टिस हुआ उनको उनका हक मिलने का है। ये मेरे से गुजारिश है कि शी शुड गेट जस्टिस। का इंतकाल हुआ 1987 में एंड शी वाज अलाइव, मेरी वाइफ जब माइनर थे एंड ऑन दिस डेट शी ऑलरेडी बिकम द इशू ऑफ मौजमजा। इनके कोई और औलाद नहीं, वो पूरे हैं, उनके 4 बच्चे हैं, वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, मगर इनका अलग शेयर है, वो अलग अलग लड़ रहे हैं, कोई साथ में नहीं है, अकेले सिंगल फाइट लड़ रहे हैं। बस इनका हक इनको मिल गया तो हम बहुत अल्लाह तला से बहुत खुश होंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।